मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, डोडा माइग्रेंट सामने सामने देखो, डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। मेरा नाम कौशल शर्मा है, मैं ज़िला डोडा माइग्रेंट वेलफेयर कमेटी का वर्किंग चेयरमैन हूं। मेरे साथ चौहान साहब हैं, ये प्रेजिडेंट हैं हमारी इस एसोसिएशन के, हमारे नंदलाल जी हैं, ये भी मेंबर कमेटी के हैं। जितने भी हम लोग हैं, हम सारे ही एफर्ट्स करने वाले हैं, लेकिन आज का जो मेन फोकस है, जो हमें उम्मीद थी कि होम मिनिस्टर जो हिंदुस्तान के हमेशा कोई ना कोई पॉलिसी बनाते हैं, चाहे वो देश की इंटरनल हो या देश के बॉर्डर्स की हो, कहीं की भी हो, या यहाँ की पब्लिक की जो बात हो, तो वो उसकी एक पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन हम जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम उस कैटेगरी से बिलोंग करते जो कैटेगरी की एक किस्म की इंसानियत के खिलाफ, जो कि मिलिटेंसी अफेक्टेड लोग जो हम हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डोडा अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा उसको कहिए, जिसमें रामबन हमारा किश्तवाड़ आता है, उसके साथ साथ हमारा रियासी है, हमारा कठुआ उसमें आता है, और साथ में हमारा यहाँ का परजोरी पुंछ भी आता है। तो इन लोगों के समस्या के प्रति हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कमेटी है, वो पिछले 32 साल से काम कर रही है। डिमांडें हमारी ये हैं कि हम जब से माइग्रेशन एनलिस्टेड हुए हैं, कुछ फैमिलियाँ, यानी कि जो हमारे पास रिकॉर्ड है, सीआईडी का रिकॉर्ड है, उसमें 2200 फैमिलियाँ जो है वो उनके रिकॉर्ड में हैं कि ये फैमिलियाँ जो है, ये हमारे पास इनकी जो थ्रेट परसेप्शंस हैं, इनके जो फाइल्स हैं, वो कंप्लीट हैं, जिनमें से कि सिर्फ और सिर्फ 934 फैमिलीज़ को अभी तक मिला है, और पेंडिंग जो फैमिलियाँ हैं, जिसमें 228 को इन्होंने 6 महीने का राशन दिया, एज माइग्रेंट स्टेटस दिया, जो कि और माइग्रेंट्स को पर्ची के लेवल से मिलता है, उसके हिसाब से उनको दिया, उसके बाद उनको बंद कर दिया। जो पेंडिंग केसेस हैं उनको अभी तक इन्होंने नहीं दिया। हमने बहुत अप्रोच की, आज के जो होम मिनिस्टर हैं, इनसे पहले राजनाथ सिंह जी 2016-2017 में दो दफ़ा वो इधर आए, हमने उनको भी यही मेमोरेंडम दिया था कि जो हमारी ये जो पेंडिंग फैमिलीज हैं, उनका भी आप निपटारा कीजिए, उनको भी कंसीडर कीजिए, उनको भी एज माइग्रेंट स्टेटस दीजिए। लेकिन जो साथ में ऑलरेडी जो बेटा ब्याहा गया, उसकी बीवी उसके राशन कार्ड पे नहीं चढ़ी, उसके बच्चे भी राशन कार्ड पे नहीं चढ़े, सिर्फ जो इंसान, जो हमारा कोई भी बंदा इस राशन कार्ड में यानी कि फैमिली में मरता है, उसको ये डिलीट करते हैं, और साथ में जो फैमिली जो बच्चा पैदा होती है उसको ये एनरोल नहीं करते। एक तो हमारी वो डिमांड है, उम्मीद थी कि ये हमारे होम मिनिस्टर साहब इस चीज़ को अनाउंस करेंगे। उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज में जो कश्मीरी माइग्रेंट्स को उन्होंने जॉब दिया, 6,000 में से 3,000 दिया, तो हमारी भी ये मंशा थी, ये ख्वाहिश थी कि हमारे लोगों को भी, जो लोग माइग्रेंट हैं या जो एनलिस्टेड हैं, जो एनलिस्ट होने हैं, उनमें से अगर हमें एक एक जॉब दे देते तो हमें ये समझ आती, सूझ आती कि हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे प्रति कुछ सोच रही है, वो भी ये कभी ये सोचते नहीं हैं। उसके बाद जो एनलिस्ट करने के बाद इसको जो हमारी फैमिलीज में सोल्स को चढ़ाने के बाद इनके जो बाइफरकेशन होनी थी वो भी नहीं की। उसके साथ साथ इस कैंप में, ये डोडा माइग्रेंट कैंप बेली चलाना है, यहाँ पे 22 साल से लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं, जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें एज माइग्रेंट स्टेटस बिजली दी,
एज माइग्रेंट स्टेटस हैंडपम्प दिए पानी के लिए, एज माइग्रेंट स्टेटस हमें यहाँ पे नलके दिए, एज माइग्रेंट स्टेटस हमें यहाँ पे पुलिस चौकी दी, एज माइग्रेंट्स हमें यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर दिए, एज माइग्रेंट्स यहाँ पे प्राइमरी स्कूल जो कि अब मिडिल स्कूल में कन्वर्ट हो गया वो दिया, यहाँ पे डिस्पेंसरी दी। मुझे कोई समझ नहीं आती ना मेरे इन लोगों को समझ आती है कि इतना कुछ देने के बाद ऐसा क्या है कि जो ये गवर्नमेंट हमारे प्रति ये नहीं सोचना चाहती और ना करना चाहती कि इनका भी कोई राइट बनता है कि जब हमारे देख रहे कि ये जितने भी लोग हैं मैक्सिमम के 99% लोग हैं ये राशन कार्ड में नहीं हैं। हमारी यही गुहार है कि आप आए, सोचा था आप आए बाहर आई, लेकिन आपने तो हमको बाहर ही कर दिया, हमारा तो नाम तक नहीं लिया कि हम कौन हैं और क्या हैं, क्या करना चाहते हैं। लिहाजा आपके माध्यम से हमारी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है और हक भी बनता है कि हमारे जो मसले हैं उनका जल्द अज हल किया जाए। जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी हैं, चाहे वो ड्यूकॉम है, रिलीफ कमिश्नर है, कमिश्नर सेक्रेटरी है, जो भी है चीफ सेक्रेटरी है, उनको हदायत दी जाए कि हमें वो ये यहाँ पे वेरीफाई करें। हम ये नहीं कहते कि आके